हे गाइस, वेलकम माय चैनल गाइस। अगर आपका बजट यार लगभग 20,000 रुपए के आसपास और आप उसमें एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो यार आज हम डिटेल कंपेरिजन करने वाले हैं मोटो एज 40 नियो और मोटरोला G84 5G का। दोनों ही एक ही ब्रांड की तरफ से आते हैं, इनका प्राइस लगभग यहाँ पर सेम रहता है। तो यार दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट है, तो उसी के बारे में बताने वाला। तो चैनल पर आया हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्ड और डिजाइन से। तो बिल्ड और डिजाइन यहाँ पर मोटरोला H40 Neo में आपको वीगन लेदर और प्लास्टिक दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। 172 ग्राम वेट के साथ ये देखने को मिलता है। प्लास्टिक का फ्रेम आपको मिलेगा। तीन कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, व्हाइट, ब्लैक और ब्लू। वहीं मोटो G84 की बात करें, यहां पर भी सेम दो मॉडल है, वीगन लेदर वाला है, प्लास्टिक वाला है। यहां पर 169 ग्राम वेट के साथ आता है, तो ये लाइट वेट काफी होने वाला है। रेड, ब्लू और डार्क ब्लू तीन कलर ऑप्शन के साथ आता है और फ्रेम आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है। वहीं डिस्प्ले की बात करें, मोटो H40 Neo में 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस वाला 10 बिट वाला ये कर्व्ड पीओलेड पैनल मिलता है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, 360 हर्ट्ज का टास्क सैम्पलिंग रेट है, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। इसके अलावा HDR10+ का सपोर्ट है और SGS की लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन भी इस डिस्प्ले को मिला हुआ है। इसके अलावा 93% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और NEG ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। वहीं 2400x1080p का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं मोटो G84 की, तो यहां पर आपको 6.55 इंच का एक फुल HD प्लस 10 बिट वाला ये फ्लैट पीओलेड पैनल मिलता है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज का टास्क सैम्पलिंग रेट और 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है और NEG ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है और 2400x1080p का रेजोल्यूशन है। वही बात करते हैं परफॉर्मेंस की, मोटो H40 Neo में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7030 वाला चिपसेट देखने को मिलता है। ये 6nm पर बेस चिपसेट है, 2.5 GHz की क्लॉक स्पीड है। यहाँ पर माली का G610MC3 वाला जीबी देखने को मिलता है। वही बात करते हैं मोटो G84 की, तो इसमें काफी पुराना चिपसेट देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन 695 वाला है। 6nm पर ये भी बेस्ड है, 2.2 GHz की कोर स्पीड के साथ आता है। Adreno 619 वाला GPU देखो मिलता है। वही RAM और स्टोरेज की बात करें, Moto H40 Neo में आपको दो मॉडल देखो मिलते हैं, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज। इसके अलावा 12GB RAM, 256GB स्टोरेज। LPDDR4X की RAM है, जो 128GB वाला वर्जन है उसमें UFS 2.2 की स्टोरेज है, और जो यहां पर 256GB वाला है वहां पर आपको UMCP की स्टोरेज मिलती है। 2 SIM slot ही आपको देखो मिलता है, मतलब यहां पर कोई SD कार्ड नहीं लगेगा। वही Moto G84 की बात करें, सिर्फ एक मॉडल के साथ आता है, 12GB RAM, 256GB स्टोरेज। यहां पर LPDDR4X की RAM, UFS 2.2 की स्टोरेज है, हाइब्रिड स्लॉट है, तो यहां पर एक सिम, एक एसडी कार्ड या फिर दो सिम आप लगा पाओगे। वहीं कैमरे की बात करें, मोटो H40 Neo में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 50MP का ये OIS के साथ आता है, 13MP का अल्ट्रा वाइड है, 32MP का फ्रंट कैमरा है। यहां पर आप रियर से, फ्रंट से और अल्ट्रा वाइड से 4K 30fps तक वीडियो निकाल पाओगे, जो कि काफी अच्छी चीज है। वही मोटो G84 की बात करें, यहां पर भी 50MP का OIS वाला कैमरा देखने को मिलता है। इसमें साथ ही साथ आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, जिसमें मैक्रो डेप्थ का सपोर्ट भी मिल जाता है। वहीं 16MP का फ्रंट कैमरा है, रियर से आप 1080p 60fps और फ्रंट और अल्ट्रा वाइड से 1080p 30fps वीडियो निकाल पाओगे, क्योंकि यहां पर जो 4K रेजोल्यूशन है उसमें 695 जो उसको सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए आपको यहां पर सपोर्ट भी कैमरे में नहीं मिलता। वहीं बैटरी की बात करें, मोटो H40 Neo में 5000mAh की बैटरी है। इसके अलावा 68W का चार्जर आपको बॉक्स में मिल जाएगा और ये आराम से 50 मिनट के आसपास या 1 घंटे के आसपास आपके फोन को चार्ज कर देगा। वहीं मोटो G84 की बात करें, 5000mAh की बैटरी है, लेकिन यहां पर 30W का टर्बो चार्जर बॉक्स में दिया गया, तो लगभग आपका 1.5 या 2 घंटे के आसपास ये बैटरी चार्ज हो पाएगी। वहीं ऑडियो की बात करते हैं, तो मोटो H40 Neo में डुअल स्पीकर का सपोर्ट है, डॉल्बी एटमॉस, डुअल माइक्रोफोन है, मोटो स्पेशल साउंड का सपोर्ट है, कोई 3.5mm जैक नहीं है। वहीं मोटो G84 की बात करें, डुअल स्पीकर का सपोर्ट है, इसके अलावा डुअल माइक्रोफोन, डॉल्बी एटमॉस और यहां पर 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है। वहीं बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मोटो H40 Neo में इनका MIUI स्टॉक एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिलता है, जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। 2 साल के मेजर और 3 साल के मेजर सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। वहीं मोटो G84 की बात करें, यहां पर भी MIUI है स्टॉक एंड्रॉइड वाली, जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। इसमें आपको 1 साल का ही मेजर एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल के मेजर सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। वहीं कनेक्टिविटी की बात करें, मोटो H40 Neo में आपको डुअल 5G का सपोर्ट, 15 5G के बैंड, डुअल बैंड वाईफाई, वाईफाई 6, NFC और ब्लूटूथ का 5.3 लेटेस्ट वर्जन मिलता है। मोटो G84 की बात करें, डुअल 5G का सपोर्ट, 14 बैंड्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ का 5.1 वर्जन है, NFC वाईफाई 5 का ही सपोर्ट है और डुअल बैंड वाईफाई भी मिल जाता है। वहीं एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें, मोटो H40 Neo में आपको सभी प्रकार के सेंसर, GPS और एक IP68 की रेटिंग है, जो इस फोन को 1.5 मीटर 30 मिनट तक बचा सकती है पानी से। वहीं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, मोटो सिक्योर, थिंग सील सिक्योरिटी मिलती है। वहीं मोटो G84 की बात करें, यहां पर आपको IP54 की रेटिंग देखने को मिलती है, मोटो सिक्योर मिल जाता है,
आता है, थिंक सीट की सिक्योरिटी है, फेस अनलॉक है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और सभी प्रकार के सेंसर और जीपीएस का सपोर्ट मिल जाता है। वहीं बात करते हैं प्राइस की, मोटो एच 14 की जो बेस वेरिएंट की प्राइस है वो 23,999 आती है, लेकिन ये फेस्टिव ऑफर में आपको 21,000 रुपए की प्राइस पर मिल रहा है और 1,000 रुपए का कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगाओगे तो ये 20,000 का पड़ जाएगा। वहीं मोटो G84 की बात करें तो ये लगभग अभी 18,000 के आसपास मिल रहा है, अगर इस पर भी कार्ड वगैरह 1,000 लगाते हो तो ये 70,000 के आसपास फोन पड़ जाएगा। तो बात करते हैं विनर की, तो यार डेफिनेटली विनर यहाँ पर मोटो एच 14 नियो ही होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको 2,000 या 3,000 रुपए में IP68 की रेटिंग मिल रही है, इसके अलावा कर्व डिस्प्ले मिल रही है, CPU यहाँ पर आपको अच्छा मिल रहा है, 4K तक का सपोर्ट मिल रहा है, इसके अलावा और भी अच्छी है, 2 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट, मतलब ये फोन आप लगभग 3-4 साल के आसपास चला पाओगे जो कि काफी अगेन अच्छी चीज होगी। तो मेरे ख्याल से मोटो एच 14 न्यू ही यहाँ पर बेहतर ऑप्शन है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।